अचार। अचार हमें फलों और सब्जियों को बेमौसम चखने की सहूलियत देता है। अचार को हम अपनी थाली में शामिल करते हैं, ये हमारी थाली का श्रृंगार भी है। खाने में ये स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में ये हमारी थाली को एक श्रेष्ठ रूप भी देता है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, इनकी उम्र 75 साल है। इनका नाम है प्रभा टंडन जी। स्वागत है आपका पकवान गली पे। तो बताइए मुझे अपने बारे में, कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया अपना खाने के से? ये खाना बनाने का शुरू से शौक़ था जी। फिर हमारी माँ जो थी वो अचार डालती थी, तो उनसे हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो आज आप हमारे लिए कौन सा अचार यहाँ बनाएं? हम आपके लिए कटहल का बनाएं। हम शुरू करें? कटहल उबालिए और आधा जब गल जाए तब उसे जो है छील के और डाल दीजिए। इसमें हम पहले हींग डालेंगे आधा टीस्पून, और उसके बाद आप राई डालिए, 4 चम्मच राई डालना, और इसमें मेथी 2 चम्मच पड़ेगी, 4 चम्मच हल्दी पड़ेगी, और मिर्ची 3 चम्मच डालें, गुड़ इसमें आप 2 चम्मच डालिए, सौंफ इसमें 4 चम्मच पड़ेगी, 1 आम कच्चा 20 साइज का, और इसमें चना जो है वो आधी कटोरी है। अच्छा, चने को आपने ना बॉईल किया है? ना कुछ नहीं, इसी के पानी में चना गलेगा। तो हमें इसको कितने टाइम तक धूप में रखना पड़ेगा? इसे आप 6 दिन तो धूप दिखाना ही है आपको। सबसे लास्ट में नमक डालिए, 6 चम्मच इसमें नमक पड़ जाएगा। ये भी टीस्पून? टीस्पून है सब। फिर इसे मिक्स कर लीजिए, ये मिला के फिर आप तेल डाल दीजिए। मिलाने के बाद आप इसे जो है भाड़ में भर दीजिए। अब ये हम 6 दिन के लिए धूप में रख देंगे, रात को हटा देंगे और दिन में जब धूप तेज होगी तब उसे रखा जाए। ये अचार हमने पहले से बना के रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अचार की सबसे खास बात यही है, उसको जितनी देर तक रसने के लिए छोड़ेंगे उतना ही अच्छा उतना ही निखर के आएगा। हाँ, इस कटहल के अचार के साथ भी यही है, जो चने इन्होंने डाले थे कच्चे वो बिल्कुल गल गए हैं इसके अंदर, और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट है। मैं तो इसे अपने पराठे के साथ अपनी थाली के अंदर आज ही इंक्लूड करने वाला हूँ। और अगर आप भी इतना बेहतरीन अचार खाना चाहते हैं तो नानी माँ का जो अचार की रेसिपी है उसे आज ही अपनी किचन में इंक्लूड कीजिए और बनाइए एक स्वादिष्ट अचार।